एम्बियन लाइट के साथ आता है ये। तो ये ऊपर आना शुरू हो गया है, वेंटिलेटेड सीट ऑन करते ट्रैक्शन कंट्रोल इधर आ जाएगा, मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हो, देख सकते हो। आज का व्लॉग होने वाला है कि यार कारेंस का डिलीवरी के ऊपर, एंड जो कि हम लोग का राज भाई ले रहे हैं, इनकम तो दिख ही रहा है 1 मिलियन राज भाई का शॉप। तो अभी तो फिलहाल राज भाई के घर पे जाते हैं, राज भाई बिल्कुल रेडी होके रखे हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो आज जाते हैं, डिलीवरी वगैरह लेते हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे कि कैसा क्या फीचर्स है, कैसा नहीं है, कितना प्राइस भी आता है, क्या कारेंस जिन लोगों को 7 सीटर का अफोर्डेबल प्राइस पे चाहिए, वही सब अभी चलते हैं देखते हैं। ये सुबह सब भी हम लोग रेडी होके रखे हैं। तो अभी हम लोग थे राज भाई के घर पे, तो अभी जाते हैं, एंड कैब वगैरह तो रुका हुआ है, तो जाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो अभी जाते हैं देखते हैं। तो फाइनली गाइस, वी आर ऑन द कैब एंड अभी हम लोग जा रहे हैं उल्लू बारी होकर किया के शोरूम तक, क्रॉस किया का शोरूम मतलब गुवाहाटी में एक ही है जो की लोगों ने सो उधर ही है, तो सामने का तो शोरूम है नहीं रहता, तो इतना दूर जाने का जरूरत ही नहीं होता, एंड ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो इसीलिए शॉर्टेस्ट रूट यही सी है, तो यही से जाते हैं एंड देखते हैं आप लोग। राज भाई ने कल ही मतलब पेपर वर्क वगैरह कम्प्लीट करके रखा था, तो इधर आप लोग देख ही सकते हो क्या कर रहे हैं। सो इसका डिलीवरी होगा थोड़ा देर बाद, जाते हैं शोरूम में, एंटर होते हैं, देखते हैं कैसा क्या है क्या नहीं, और क्या कुछ प्रोसेस करना बाकी है। कंटेंट भी चाहिए आप लोगों को, तो वो कंटेंट राज भाई के साथ हम लोग जाएंगे, एंड मॉडिफिकेशन वगैरह भी करवाना है, एंड ये तो देख रहे हो एलॉय वगैरह लगेगा, एंड इंटीरियर भी मॉडिफाई होगा, तो मॉडिफिकेशन ब्लॉक भी आप लोग को मिलते रहेगा, एंड कार का तो आज डिलीवरी है ही, एंड क्या कुछ मतलब प्रोसेस है, मतलब कितना पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, राज भाई का क्या प्रोसेस हुआ, वो सब राज भाई आप लोगों को ठीक से क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग कार देख ही सकते हो, बिल्कुल मस्त है, एंड 7 सीटर कैटेगरी में ये आप एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोग को मिल जाएगा, जो क्या है एंड फीचर लोडेड कार है, तो पर आप लोगों को फीचर्स वगैरह भी शो कर देंगे। बस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जिन लोगों का किया का कार वगैरह लेने का प्लान है, तो ये सब देख सकते हो, किया सोनेट का प्राइस लिस्ट स्क्रीनशॉट लेके आप लोग डायरेक्टली प्राइस वगैरह चेकआउट कर सकते हो, एंड ये है किया सेल्टोस का प्राइस लिस्ट, ये सारा एक शोरूम प्राइस है, तो ऑन रोड थोड़ा ज़्यादा आएगा। करीबन 12 फुट है, करीबन 12 आ जाते हैं, 8 लाख का मुझे ज़्यादा आएगा, मतलब आपका मार्केट 13.5 नाम पे गृहलक्ष्मी है, गृहलक्ष्मी के नाम पे है, तो इसीलिए आप सभी को भी सजेस्ट करता हूँ कि इफ यू गाइस आर मैरिड, सो ट्राई टू यू नो ब्रिंग द न्यू मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द नेम ऑफ योर गृहलक्ष्मी। सो भाभी के नाम पे कार, तो पेपर वर्क ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है, सारा नंबर्स लेकर, सिर्फ नंबर्स लेने नंबर लगा। एक सजेशन और है, किया शोरूम आइए, डेफिनेटली ट्राई द कॉफी, इट्स वंडरफुल, सीसीटी का मशीन है, कॉफी जो वेंडिंग मशीन है, सीसीटी का फोटो मिलता है, सारे 11 लाख स्पेंड करने के बाद अच्छा सा एक कॉफी मिलता है, बनता ही है। तो बस कार के साथ मतलब क्या कुछ है, मतलब ये अभी भैया आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे, तो देखिए कॉइन का कमाल,
स्पेयर टायर वगैरह खोल सकते हो, नीचे देख पाएंगे कैसे टायर खुल जाता है। इधर लगा हुआ है टायर, तो ये सही है बिकॉज बूट में अगर टायर रखा हुआ रहता है तो स्पेस का स्पेस बहुत ले लेता है ये टायर वगैरह, अगर नीचे लगा हुआ रहता है तो आप लोग इजीली मतलब खोल सकते हो अंदर से खोल के। कभी जब बाहर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो फिर वो बूट में रहना सीखा होता है पूरा ट्रंक आपको नीचे होने से एक्सेसिबल है, जो जो टायर प्रेशर देगा उनको भी सुविधा है नीचे से डालने के लिए। सिक्स एयर बैग सामने दो है और रियर में चार, रियर में चार सिक्स एयर बैग। सो एयर बैग का कोई इश्यू नहीं है एंड इस प्राइस रेंज पे सिक्स एयर बैग शायद से किसी कार में नहीं, बेस्ट इन द सेगमेंट है ये वाला सेगमेंट में मिलता है। हाइड्रोलिक्स वगैरह भी लगा हुआ है, आप लोग को मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो आगे भी देख सकते हो, आगे भी दो टोटल सिक्स चार्जिंग पोर्ट, मतलब जितना फीचर्स खुलते जो उस गाड़ी में मतलब आप लोग को मिलते रहेंगे। और एक चीज़ है, आप इधर से आओ मैं गाड़ी से दिखाता हूं। ओके ये है व्हीकल डीजल कंट्रोल, जो नीचे वाले वेरिएंट में नॉर्मली कोई काज में आता नहीं है। ओके तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया ने ये वाला फंक्शन भी दिया है। ओके हिल डिसेंट कंट्रोल बोलते हैं इसे, इससे मतलब होता है कंट्रोल भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि यू आर गोइंग डाउन द हिल्स, ओके तो व्हीकल अगर आप इसको ऑन करके रखते हो ओके यू डोंट नीड टू प्रेस द ब्रेक एंड द एक्सीलरेटर, ओके इसको ऑन करके रखो व्हीकल अपने हिसाब से ब्रेकिंग करके वो नीचे आता रहेगा। ओके आप जस्ट स्टीयरिंग पे ध्यान रखो बाकी काम व्हीकल करेगा, एक स्पीड लिमिट के हिसाब से वो डाउन में आता रहेगा, मतलब ये खुद ब खुद कंट्रोल होता है, खुद कंट्रोल करेगा। और एक आपका जो सेंसर है वो दिख रहा है, एक साइड में खुला है दिखी, इसलिए वो तो ये कोई भी डोज आपका खुला है तो ये ऑल डोज के लिए एप्लीकेबल है, ये खाली बैक डोर के लिए है। मैं खाली अच्छा 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 इसके मैं जैसे ये क्लोज करता हूं ये भी क्लोज हो गया। ये सारे फीचर्स है और मतलब फीचर मतलब ये कार में मतलब मेरे को फीचर दिख ही रहा है। दिस इज अ ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल हां ये मैनुअल से मैनुअली ऑफ ऑन कर सकते हो। हाँ मैनुअली आप ऑफ ऑन कर सकते हो। तो ये सब में तो आप लोग को पूरा एम्बियंट लाइट दिखी जाएगा बहुत जल्द एंड ये सब पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम सब सब चेंज होकर सब। ये मिड वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट का भी अगर भैया टॉप वेरिएंट में क्या कुछ है वो भी शो कर देना एक बार, अगर टॉप वेरिएंट है कि नहीं बता रहे कि नहीं इधर अभी तो वो अभी भैया के साथ जाके शो करते हैं आप लोग। ओके वैसे अभी आप लोग आ चुके हैं कि आके बेचते थे तो इधर कार्स वगैरह रखा हुआ है जो कि डिलीवरी के लिए रेडी होता है उनसे। सो ये सब देख सकते हो, ये कारेंस है देन ये सेल्टोस वगैरह हो गया। ओके सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो किया कारेंस ये है टॉप मॉडल जो कि पूरा ब्लैक पे आता है तो देख सकते हो एंड इसमें सनरूफ आता है भाई। इधर देख सकते हो पूरा एम्बियंट लाइट के साथ आता है ये। इसका प्राइस कितना ज्यादा है लगभग 20 लाख पे आपका वेंटिलेटेड सीट मिलेगा आपका सीट पे जो मतलब वेंटिलेटेड सीट है फिलहाल तो इधर प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ है इसीलिए मतलब सो यहां पे एक पिलर है और जाना हो अभी वहां पे नहीं दिया एक बार शो कर रहा हूं आप लोगों को वेंटिलेटेड से एक बॉक्स प्लास्टिक लगा आप लोग देख सकते हो कैसे एक्सेप्शन होता है। तो ये ऊपर आना शुरू हो गया है वेंटिलेटेड सीट ऑन करते सो यहां पे आपका आ जाएगा सो हिल असिस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल इधर आ जाएगा मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हो एंड ये सॉफ्ट टच है ना ये सॉफ्ट टच है देख सकते हो बहुत सॉफ्ट है। सो एम्बिएंट लाइट यहाँ पे लगभग 60 कलर्स है, एम्बिएंट लाइट का कलर भी चेंज होता है। सो यहाँ पे ये अब देखिए ये ब्लू जल रहा है अभी ये ग्रीन मतलब टोटल कितना कलर्स आ जाता है 60 प्लस कलर्स वहाँ पे आप पूछ रही है तो और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड म्यूजिक के साथ दो कलर चेंज होता है वो है कि नहीं देख सकते हो ये आपको कलर है मल्टी कलर है एकदम सो यहाँ पे आपका गाड़ी कहीं भी खराब हो गया आपका ओके जस्ट बटन दिखने से अपने आप हम लोगों का जो सर्विस है मतलब नोटिफिकेशन पहुंच जाता है ट्रैक होके पूरा एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाता है ये ऑटोमेटिक में आता है जिससे एंड ये
इसके बाद फिर आप लोग मतलब खुद ब खुद गियर वगैरह चेंज कर सकते हैं? हाथ में है, पैडल शिफ्टर, पैडल शिफ्टर हाथ पे है, हाथ पे है। फिर मतलब ऑटोमेटिक कार पे वो गियर पे आता है, लेकिन इधर पैडल शिफ्टर हाथ में ही है, आप लोग स्टीयरिंग से एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट गियर हो गया, सेकंड गियर हो गया, मतलब टेलीस्कोपिक भी मिलेगा आपको, टेलीस्कोपिक है ये स्टीयरिंग। क्रूज कंट्रोल आप मान लीजिए आपका 40-50 में चल रहा है, ओके, सो जस्ट बटन दबाने से ओके करके वो आप डायरेक्टली आप क्लास सुन सकता है, यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकता है, स्पीड सही है आपको में। तो फिलहाल तो अभी सब कम्प्लीट है, बस डिलीवरी लेना और निकलना है। अभी मुंह में जा चुके हैं, बस कुछ टाइम के बाद लेके निकलते हैं इसको। अगर आप लोगों की कार्ड्स वगैरह लेने का किया का प्लान है तो आप लोग भैया को कांटेक्ट कर सकते हो, तो भैया का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो डायरेक्टली आप लोग कांटेक्ट करके सब। गाइस डू कॉल मिस्टर देबो जी, इन्होंने मुझे थ्रू आउट फ्रॉम डिलीवरी टिल सॉरी फ्रॉम बुकिंग टिल डिलीवरी उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया एंड इज वेरी कोऑपरेटिव। जब भी मैंने मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ और मुझे ये चाहिए था कि गाड़ी कब आ रहा है, टू वॉज देयर लाइक थ्रू आउट द प्रोसेस, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे डील करके, तो डेफिनेटली विल रिकमेंड हिम, तो आप आओ इनसे कॉन्टैक्ट करो, हिज नंबर विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, टू चेक। थैंक यू, सो गाइस फाइनली शोरूम से आउट हो चुका है अपना कार, तो अभी राज भैया लेके चलेंगे। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स टू राज भैया, चलिए बाकी आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं डायरेक्ट एक्सेसरीज के मॉडिफिकेशन पे। फाइनली सभी निकलते हैं फ्यूल अप हो चुका है, 2250 का। राज भाई से तो राज भाई कैसा लगा स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स, कैसा था? बहुत स्मूथ है, मक्खन है पूरा, एंड क्लच भी पूरा मक्खन है, एंड जो एकदम लास्ट रो में बैठते हैं उन लोगों का फीडबैक लेना पड़ेगा, वो आप लोगों को 1 month का ओनरशिप रिव्यू में मिल जाएगा आप लोगों को। राइट एंड अभी तो हम लोगों को खाना पीना है, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ मॉडिफाई होता है इस कार पे। तो वैसे भी देखते हैं कि बॉक्स पे क्या मिला हम लोगों को किया की तरफ से। स्कैम